हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब कहानी एक नया मोड लेने वाली है, क्योंकि इस समय गोकुलधाम के मेंबर्स पानी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और पानी की प्रॉब्लम अभी गोकुलधाम मेंबर्स की सॉल्व नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ पर गोकुलधाम के मेंबर्स जब उस पानी प्रॉब्लम को देखने के लिए गए थे, तो वहाँ पर गोकुलधाम मेंबर्स कह दिया गया कि ये प्रॉब्लम सुबह तक सॉल्व हो जाएगी, कि ये प्रॉब्लम सुबह तक सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हमने अपकमिंग एपिसोड में देखा कि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है और इसीलिए गोकुलधाम के मेंबर्स एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं इस बात को डिस्कस करने के लिए, जहां पर के चंपकलाल इस बात का सुझाव देते हैं कि अगर अभी तक पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आज का काम चलाने के लिए हम अपना एक प्राइवेट पानी का टैंकर मंगा लें, जिससे कि हमें कल की तरह दोबारा वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जहां पर जेठालाल आ जाता है और बिना सोचे समझे ये बात बोल देता है कि आखिरकार वो कौन सा बेवकूफ है जो कि पानी के टैंकर को मंगाने के लिए मना कर रहा है। जिसके बाद यहां पर जेठालाल की पोपटलाल से बहस हो जाती है और यहां पे पोपटलाल भी गुस्से में आ गए, जेठालाल को कुछ कड़वे शब्द बोल देता है। अब यहां भले जेठालाल ने गलती से चंपकलाल को बेवकूफ कह दिया हो, लेकिन जब बात सामने आएगी तो जेठालाल को अपनी इस गलती का एहसास हो ही जाएगा। और भी यहाँ पे कहानी में जेठालाल की एंट्री हो चुकी है, तो ये बात साफ है कि यहाँ पे कहानी कोई ना कोई नया मोड जरूर लेगी और कहानी में कुछ ना कोई सस्पेंस जरूर खुलेगा। तो आपको पता है कि आप भी आने वाली स्टोरी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है, इस बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉप को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।